पूछूं, लास्ट टर्न पर शायद खुलासवा पढ़ लिया था ना, आज बहुत इम्पोर्टेंट इसका पोर्शन है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ कुलार्स लॉ, है ना, एप्लीकेशन ऑफ कुलार्स लॉ। स्पेलिंग आप देख लेना एक बार, एप्लीकेशन ऑफ कुलार्स लॉ। आपको मालूम है ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते लैम्डा एम नॉट और लैम्डा इक्वल इक्यू नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक्स्ट्रापोलेटिंग वाले मेथड से नहीं कैलकुलेट कर सकते ना, किसका लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट नहीं कर सकते, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन है जो मैं बता रहा हूँ, टू डिटरमाइन फर्स्ट है। अच्छा, ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैलकुलेट, एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पर एक्स्ट्रा में, ये सीबीएसई का क्वेश्चन भी आया है 2019 में। सीबीएसई ने 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें एक क्वेश्चन आया था इस तरीके का, देखो तो समझो जरा। यहाँ दे रखा था लैम्डा एम, यहाँ दे रखा था रूट सी, और एक इस तरीके का चीज दे रखी, ठीक है। इसको लिख रखा था ए, इसको लिख रखा था बी। क्वेश्चन 2 मार्क्स में था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा ए क्या है बी क्या है। अच्छा एक चीज आप मुझे बताओ, शार्प इंक्रीज किसके लिए आता है, शार्प इंक्रीज आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि डाइल्यूशन करने पर अगर हम यहां जाते हैं देखें, अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, बोलो, कंसंट्रेशन कम होगा तो डाइल्यूशन बढ़ेगा। यहाँ जो ए चीज, ए ये दिख रहा है ना, ए ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ए बता रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। शार्प इंक्रीज क्यों आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, शार्प इंक्रीज इसलिए आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि ऑन डाइल्यूशन, आपको मालूम है डाइल्यूशन करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन अल्फा बढ़ जाता है, तो शार्प इंक्रीज आता है नंबर ऑफ आयंस में, शार्प इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। और शार्प इंक्रीज आता है अगर नंबर ऑफ आयंस में, तो लैम्डा एम में भी शार्प इंक्रीज आएगा, दिख रहा है ना, लैम्डा एम में भी शार्प इंक्रीज आएगा। तो ये तो रहा पहला पॉइंट वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन आता है जरा बताओ, ये कहानी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सही है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन बेटा, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये जो वी बी है, जो बी है मैं रेड कलर से लिखूंगा साथ में मेरे बच्चों, ये बी जो है, ये है हमारा एसिटिक एसिड, मैं लिख देता हूँ बी एसिटिक एसिड है। ए जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KCl या NaCl है। ये तो थी कहानी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, तो आपको अच्छी तरह मालूम है डाइल्यूशन करने पर, मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम। मैं याद करा देता हूँ एक बार, बोर्ड का क्वेश्चन है, number of ions remains same, तो there is gradual increase in lambda m, because बताओ क्यों, because बोलो, उनके बीच में जो आयनिक इंट्रैक्शन है डाइल्यूशन करने पे वो वीक हो जाता है, आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, तो जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस आ रहा था फ्लो में, फ्लो करने में, सही है, जो रेजिस्टेंस आ रहा था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन लैम्डा एम, लैम्डा एम में ग्रेजुअल इंक्रीज क्यों आता है जरा बताओ, जल्दी से बताओ, लैम्डा एम में ग्रेजुअल इंक्रीज क्यों आता है,
बोलो, जो उनका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, जो आयंस के बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन आयंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन आयंस इज डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन. दूर दूर चले जाते हैं ना, तो उन आयंस में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है बिटवीन द आयंस ऑन डाइल्यूशन, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते. तो जिसकी वजह से, मैंने देखो दोनों रीजन लिखते हैं छोटे छोटे से जो बोर्ड में लिखने हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट में इसलिए शार्प इंक्रीज आता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं. नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो लैम्डा एम बढ़ेगा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने पे आयंस दूर दूर चले जाते हैं, बट नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हर कंसेंट्रेशन में फुली डिसोशिएट होता है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हर कंसेंट्रेशन में फुली डिसोशिएट होता है, तो नंबर ऑफ आयंस रिमेन द सेम. तो देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन लैम्डा एम. जो इंक्रीज आता है वो थोड़ा थोड़ा आता है. इंक्रीज को इसलिए आता है क्योंकि जो आयंस के बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और वो कंडक्टेंस बढ़ जाता है. कंडक्टेंस बढ़ेगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा. तो ये जो थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज आता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है, जो बहुत ज्यादा इंक्रीज आता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है. बट मैंने इसी ग्राफ में एक चीज और भी सिखाई थी, जरा वो भी समझते हैं. अगर मैं फर्दर एक्सट्रापोलेट कर दूं, है ना, फर्दर अगर मैं एक्सट्रापोलेट कर दूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो आप ये देख रहे हैं कंसेंट्रेशन के साथ, एक लार्ज कंसेंट्रेशन के वेरिए लार्ज कंसेंट्रेशन के साथ इसका जो ग्राफ आ रहा है वो लीनियर आ रहा है. अब हमारा डिवाइस यहां तक ही मेजर कर सकता था, तो हमने इसको एक्सट्रापोलेट कर दिया. एक्स्ट्रापोलेट कर दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया. भाई डिवाइस तो हमारा यहीं तक मेजर कर सकता है, यहीं तक रेजिस्टेंस मेजर कर सकता था. फिर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लिया तो कंडक्टेंस आया, कंडक्टेंस की मदद से हमने मोलर कंडक्टिविटी निकाली, सेल्फ कांस्टेंट में मालूम होता है. तो अब यहां पर एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब मालूम था सभी को, एक्स्ट्रापोलेट कर दिया. एक्स्ट्रापोलेट का मतलब है एक्सटेंड कर दिया. एक्सटेंड करने पर आप एक चीज देखोगे, एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करने पर आप ये देखोगे कि ये हमें इस वाई एक्सिस को कट कर देगा. y एक्सिस को कट कर देगा तो ये हमको देगा लैम्डा एम नॉट, एक डेफिनेट वैल्यू देगा, डेफिनेट वैल्यू ऑफ, डेफिनेट वैल्यू देगा हमें किसकी, डेफिनेट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये हमको एक डेफिनेट वैल्यू देगा. बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, और इस चीज को कौन बताता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन जो आती है ये कौन बताता है. मैंने फिर रिवाइज करा दिया, डी बाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन बताती है. डी बाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में की ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है इसको बताती है. और ये इसका ये इक्वेशन होती है लैम्डा एम माइनस लैम्डा नॉट माइनस बी रूट सी. This is a lambda m at a particular concentration. This is lambda m naught. This is at infinite dilution. And this is root c. B is called proportionality constant. तो अगर मैं extend कर दूँ, extrapolate कर दूँ, तो मैं किसी भी strong electrolyte की definite limiting molar conductivity at infinite dilution calculate कर सकता हूँ. Graphical method से, extrapolation वाले method से, अगर मैं graph को extend कर दूँ, तो मैं किसका lambda m not calculate कर सकता हूँ? Strong electrolyte का calculate कर सकता हूँ, but मैं weak electrolyte का calculate नहीं कर सकता. क्यों? Weak electrolyte का curve कुछ इस तरीके का है. अगर मैं इसको extrapolate करता हूँ, तो on extrapolation यहाँ लिख रहा हूँ मैं, on extrapolation अगर मैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को एक्सट्रापोलेशन करता हूं, ऑन एक्सट्रापोलेशन द ग्राफ इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस. ग्राफ इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड डज नॉट गिव डेफिनेट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी. तो ग्राफिकल मेथड से आप लैम्डा एम इनफाइनाइट किसका कैलकुलेट नहीं कर पाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट नहीं कर पाए. एक्स्ट्रापोलेशन वाले मेथड से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम कैलकुलेट नहीं कर पाए, क्योंकि उसने वाई एक्सिस को कट नहीं किया, वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द वाई एक्सिस हो गया, जिसकी वजह से उसने डेफिनेट लिमिटिंग वैल्यू नहीं दे पाई. अब डेफिनेट लिमिटिंग वैल्यू नहीं दे पाई किसकी,
वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो फिर उसकी डेफिनेट लिमिटिंग वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? और उसकी डेफिनेट लिमिटिंग वैल्यू निकालने का तरीका है कोलार्स लॉ। ठीक है, तो इतनी तो कहानी मैंने रिवाइज करा दी कि सीबीएसई ने बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा था, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का ग्राफ दे रखा था। उन्होंने पूछा था ये बताइए आप ए क्या होगा बी क्या होगा, तो बी आपको मैं बता दूं, बी में शार्प इंक्रीज आ रहा है तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ए में ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बी में शार्प इंक्रीज इसलिए आता है क्योंकि डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेंगे तो लैम्डा एम की वैल्यू भी शार्पली इंक्रीज करेगी जो कि दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये ग्राफ ग्रेजुअली इंक्रीज क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस तो रिमेन सेम रहते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो फुली डिसोसिएट होता है। जब नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम है तो उसमें क्या होता है, जब डाइल्यूशन करते हैं तो ये आयंस एक दूसरे से दूर चले जाते हैं जिसकी वजह से उनका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द आयंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनका कंडक्टेंस बढ़ जाता है, मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। अब बात यहां तक की आ गई। फिर उन्होंने बोला कि अगर हम इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर दें, व्हाई वी एक्सट्रापोलेट दिस ग्राफ, बिकॉज हर डिवाइस की एक लिमिट होती है मेजर करने की। हमारा डिवाइस इसके आगे सिमिलर वैल्यूज दे रहा था, सिमिलर वैल्यूज दे रहा था मेजर करने पे, क्योंकि इसके आगे उसकी लिमिट आ गई है ना, बोलो लिमिट आ गई। अब इसके आगे वो डिवाइस मेजर नहीं कर सकता, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको ग्राफ को क्योंकि देख रहे हैं लंबे समय से वेरिएशन जो आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है कंसेंट्रेशन के साथ, तो थोड़ा सा उसे और एक्स्ट्रा बढ़ा दो तो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। जब एक्सटेंड कर दिया तो हमने माना कि वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, और जिस पॉइंट को कट कर रहा है तो वहां लैम्डा एम नॉट मिल गया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट मिल सकता है एक्स्ट्रापोलेशन से ना, ग्राफिकल मेथड से, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नहीं मिल सकता। इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपने उसको एक्स्ट्रापोलेट किया, मतलब यहां तक हम रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली मेजर कर सकते थे, इसके आगे मेजर नहीं कर पा रहे थे, तो हमने उसको थोड़ा बढ़ाया तो देखा वो वाई एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा था। जब वाई एक्सिस को कट कर नहीं रहा था वो डेफिनेट वैल्यू नहीं देगा। इतनी तो हमारी कहानी थी, है ना। अब मैं एप्लीकेशन पे आता हूं कोलार्स लॉ की, कि वो ये कहती थी कोलार्स लॉ की एप्लीकेशन की, अगर हमें लैम्डा एम नॉट किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का बताना है, किसकी मदद से बताना है, अगर हमें लैम्डा एम नॉट किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का बताना है तो हम उसे कैसे निकाल सकते हैं, तो उसे हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलार्स लॉ। अभी समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत आसान ट्रिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये ना। समझे, तो पहली इसकी जो एप्लीकेशन है, टू डिटरमाइन, फर्स्ट एप्लीकेशन जो है टू डिटरमाइन लैम्डा एम नॉट और लैम्डा ई क्यू नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट या फिर लैम्डा ई क्यू नॉट कैलकुलेट करने में जो लॉ आपकी हेल्प करेगा वो कोलार्स लॉ। अब आपका क्वेश्चन ये होगा सर कैसे करेगा, जरा बताओ, ये तो पूछोगे सर कैसे करेगा, मैं समझाता हूँ। देखो, अगर मैं मान लो, मैं एक एसिड एग्जांपल से समझाता हूँ, मैंने मान लिया वो वीक एसिड है एसिटिक एसिड है, तो बताओ इस एसिटिक एसिड की लैम्डा एम नॉट किन किन आयंस की वजह से आता है। आपको अच्छी तरह मालूम है इस एसिटिक एसिड का लैम्डा एम नॉट जो आता है वो एक तो आता है एसीटेट आयन की वजह से और एक आता है एच प्लस आयन की वजह से। ये पढ़ा था कोलार्स लॉ, ये कहता था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन की मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है। एक तरीका तो ये डायरेक्ट है, मानो आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूं, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट तरीका क्या कहता है, अगर मैं आपको क्वेश्चन में लैम्डा एम नॉट एच प्लस का दे दूं, लैम्डा एम नॉट CH3COO नेगेटिव का दे दूं, तो आप निकाल सकते हैं। एक और तरीका है कि अगर मुझे लैम्डा एम नॉट एसिटिक एसिड का निकालना है तो मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से भी निकाल सकता हूं। किसकी मदद से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से। अब जैसे ये देखो, मुझे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा, मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा CH3COONa की मोलर कंडक्टिविटी मुझे गिवन होगी x, मुझे मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगी HCl की y, और मुझे मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगी NaCl की z। ठीक है, ये तीनों कौन से इलेक्ट्रोलाइट है,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन तीनों से मुझे क्या मिलना चाहिए, इन तीनों से मुझे ये दो आयंस मिलने चाहिए, बाकी सब कैंसिल होना चाहिए, समझो ऊपर लिखा हुआ है, इन तीनों से ये मिलना चाहिए। एक तरीका तो ये है कि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ये दे दूं, और एक तरीका ये है कि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ना ये दूं और ये सब दे दूं, इनकी मदद से आपको ये निकालना है, इनकी हेल्प से आपको ये निकालना है। अरे बच्चों ये समझो, अगर मैं डायरेक्ट दे दूं आपको तो ये एसिटेट आयन दे दिया, SCH आयन, इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी दूं, दो सम कर दो, ये निकल आएगा। मान लो ये दोनों ना दूं और ये दे दूं, तो इनसे आपको क्या क्या कौन कौन से कॉन्स्टेंट आयन चाहिए, यही दोनों चाहिए। तो ट्रिक सुनो, ट्रिक सुनना, ऐसे जिस जिसके अंदर ये आयंस मिलेंगे उनको आप प्लस कर दोगे, और जो एक्स्ट्रा में जा रहा है उसको हटाना पड़ेगा तो उसको माइनस कर दोगे। नहीं समझे, ट्रिक समझते हैं, अभी समझते हैं, पहले इतना लिख लो, ठीक है, जगह नहीं है ना, अभी मैं लिखता हूं। ट्रिक क्या है, जिस जिसके अंदर ये आयंस मिलेंगे उसको ऐड कर दो, जिसमें जो एक्स्ट्रा में आयंस जा रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। आप जरा समझते हैं, मान लो मैं आपको लैम्डा एम नॉट ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए दे दूं, तो ये किसमें टूटेगा, जरा जल्दी बताओ, ये किससे आया होगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटेट आयन प्लस एन ए प्लस आयन, सब एक्वस में कहानी है, लैम्डा एम, ठीक है। अच्छा लैम्डा एम नॉट ऑफ एच सी एल क्या होगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ एच प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ सी एल माइनस, दो हो गए। तीसरा लैम्डा एम नॉट ऑफ एन ए सी एल क्या होगा, ये होगा लैम्डा एम नॉट ऑफ एन ए प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ सी एल माइनस, ये होगा। चलिए अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो, इसको टू दे दो, इसको थ्री दे दो। अच्छा ये बताओ एसिटेट आयन किसमें मिल रहा है, ये रहा एसिटेट आयन, ये इसमें मिल रहा है, सही है, H प्लस इसमें मिल रहा है, तो ये दोनों को ऐड कर दो। एक्स्ट्रा में कौन कौन से आयन है, Na प्लस और Cl माइनस, इन दोनों ये थर्ड वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे भाई ये दोनों आयन जिनके अंदर मिलेंगे उनको ऐड कर दो उन इलेक्ट्रोलाइट को, ये दोनों आयन जिनमें मिलेंगे उनको इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दो, और जो आयन एक्स्ट्रा में जा रहे हैं उनको हटाने के लिए तीसरा वाला माइनस कर दो। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये दोनों मिल गए H+ और एसिटेट आयन, एक्स्ट्रा में क्या जा रहा है, Na+ और Cl- आयन, ये हटा देगा उनको, ये हटा देगा, तो बताओ क्या बनेगा, तो लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड बनेगा लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COONa प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl। आप समझो, देखो कैसे समझा, ये रिजल्ट लिखा मैंने, समझो इससे क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा एसिटेट आयन और सोडियम आयन, इससे क्या मिल जाएगा H+ आयन और Cl- आयन, इससे क्या मिलेगा Na+ और Cl- कैंसिल हो जाएंगे, Na+ और Cl- बचेगा CH3COO- और H+, तो हम ऐसा लिख सकते थे ना, जगह बहुत कम होती है, हम ऐसा लिख सकते थे लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड, लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट ऑफ इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1 को ऐड कर दो प्लस सेकंड को ऐड कर दो थर्ड को माइनस कर दो। बड़ा आसान तरीका है, सुनो, जिसके अंदर ये आयंस मिलेंगे, एसिटिक एसिड के अंदर कौन-कौन से आयंस चाहिए आपको, एसिटेट आयन चाहिए, H+ चाहिए, तो एसिटेट आयन मिल रहा है इससे, H+ मिल रहा है इससे, दोनों में कौन से आयन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, NaCl, तो इनको हटाना पड़ेगा ना थर्ड वाले से माइनस करके। चलो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, इतना रफ कर दूं, अब उठा के इनकी वैल्यूज को रखो, देखो आपको आंसर मिलेगा। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट CH3COO- प्लस लैम्डा एम नॉट Na+, है ना, जिसके अंदर उस इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए तुम्हें दो आयन चाहिए, एसिटेट आयन H+ आयन, एसिटेट आयन इसके अंदर मिल रहा है, सही है, इसके अंदर एसिटेट आयन मिल रहा है, इसके अंदर H+ मिल रहा है, इसमें ये इसलिए माइनस कर रखा है जो बचे हुए आयन है उनको हटाने के लिए। चेक करते हैं, फिर लैम्डा एम नॉट ऑफ H+ प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl- माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ Na+
माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ सी एल माइनस, बताओ क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, मिल गया दोनों, मिल गया दोनों। तो इसने आपको एसी के टाइम दिया, इसने एच प्लस दिया, एक्स्ट्रा में जो है उन्हें हटा दिया है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, एक तरीका तो ये है कि अगर मैं आपको लैम्डा एम नॉट एसिटिक एसिड का चाहिए तो डायरेक्ट एसिटेट आयन ले लो, एच प्लस आयन ले लो, दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का सम करो, ये आ जाएगा। मान लो ये दोनों ना दिए हो तो फिर इन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से निकालेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखेंगे ये वाला आयन किसके अंदर मिल रहा है, ये वाला आयन किसके अंदर मिल रहा है, उनको ऐड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा में जा रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा में जा रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका आंसर मैं लिख दूं फाइनल क्या होगा, बताओ जल्दी फाइनल, इसका आंसर, फाइनल आंसर होगा इसकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी थी x, उसकी y माइनस z, ये आंसर। डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, डाउट हो तो पूछ लेना, डाउट हो तो पूछ लेना। ट्रिक समझ में आ गई, उस स्ट्रॉन्ग जिस वीक इलेक्ट्रोलाइट के आपको लैम्डा m निकालना है, जिस वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m नॉट निकालना है, वो जिन आयंस की वजह से आ रहा होगा, वो आयंस जिस जिस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होंगे उनको तो ऐड कर देंगे, और जितने आयन एक्स्ट्रा में जा रहे हैं वो थर्ड वाले इलेक्ट्रोलाइट की मदद से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अरे भाई एसीटेट आयन इस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट था, H+ इसमें प्रेजेंट था, इन दोनों को ऐड कर दिया, जो आयन एक्स्ट्रा में आए उनको इसकी मदद से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये तब होता है, फॉर्मूला लगाया जाता है जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से निकालना हो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्डा एम नॉट आ रहा है वो किसकी बदौलत आ रहा है, इन दोनों की बदौलत आ रहा है, ये दोनों जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे उनको ऐड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा में होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन, एक और करते हैं। क्वेश्चन ये है कि मुझे लैम्डा एम नॉट NH4OH का निकालना है। NH4OH एक वीक बेस है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। अच्छा ये किन किन आयंस की वजह से आता है इसका लैम्डा एम नॉट, इसका लैम्डा एम नॉट आता है एक तो इसके अंदर अमोनियम आयन है उसकी वजह से आता है, एक इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी वजह से आता है। ठीक है, अगर मान लो ये दोनों आयन ना दो, इनकी जगह मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे दूं, जैसे देखो मैंने आपको दे दिया लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4Cl। अच्छा आपको NH4Cl का लैम्डा एम नॉट मैंने दे दिया x, मैंने आपको लैम्डा एम नॉट दे दिया NaOH का y, मैंने आपको लैम्डा एम नॉट दे दिया NaCl का z। अच्छा ये बताओ ये दोनों आयन किस किस के अंदर मिल रहे हैं, एक तो इसके अंदर मिल रहा है NH4, इससे मिलेगा आपको NH4, इससे मिलेगा OH, इससे मिलेगा NH4, इससे मिलेगा OH, इन दोनों को कर दो ऐड, कौन सी चीज एक्स्ट्रा में आ गई, Na और Cl, थर्ड वाले को कर दो माइनस। तो आप देख सकते हैं लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4OH इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये बेस है ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब लैम्डा एम नॉट NH4OH का आया किस किस से, NH4 किसमें प्रेजेंट था, लैम्डा नॉट ऑफ NH4Cl से मिल गया आपको NH4, लैम्डा नॉट ऑफ NaOH से मिल गया आपको OH माइनस, प्लस कर दिया माइनस, जो एक्स्ट्रा में आयन आए उनको हटाने के लिए NaCl माइनस कर दिया, ये रिजल्ट है। अब उठा के इसमें वैल्यू पुट कर दो, उठा के इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो तो वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ NH4OH इज इक्वल्स टू फिर वही कहानी x प्लस y, वैल्यू जो दे रखी हूं क्वेश्चन में वो आप यहां उठा के पुट कर देना। ये तो कहानी रही किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट इस तरीके से निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक तरीका तो क्या है, ये डायरेक्ट दे दिया जाए आपको पेपर में तो कुछ नहीं करना, उठा के सम कर देना। मान लो अगर आपको डायरेक्ट ना दिया जाए, ऐसे दिया जाए, तो आपको ये देखना ये आयन किस किस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, ये आयन प्रेजेंट है इसके अंदर अमोनियम आयन प्रेजेंट है, इसके अंदर OH- आयन प्रेजेंट है, इन दोनों को ऐड कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस, ठीक है। कितने एग्जांपल हो गए, दो दो हो गए, रफ कर दो। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब दो तो समझ में आने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इज इंपॉर्टेंट है ना, थर्ड एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। मुझे लैम्डा एम नॉट निकालना है NH4OH का, और मुझे जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है लैम्डा एम नॉट ऑफ BaOH का होल ट्वाइस, और वो दे रखा है y, लैम्डा एम नॉट ऑफ BaCl2 वो दे रखा है x, ठीक है, और लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4Cl वो दे रखा है z। इसका मुझे लैम्डा एम नॉट निकालना है, क्वेश्चन समझना थोड़ा सा, इसका मुझे लैम्डा एम नॉट निकालना है, इन तीन की मदद से निकालना है, मतलब यहां लिख दो। अच्छा ये बताओ लैम्डा एम नॉट NH4OH आता किस किस आयन की बदौलत है, लैम्डा एम नॉट NH4OH आता है लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4+ और लैम्डा एम नॉट ऑफ OH-। आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या गिवन डाटा है, आपके पास जो गिवन डाटा है वो है लैम्डा नॉट ऑफ NH4Cl इज जेड, लैम्डा नॉट ऑफ BaCl2 इज एक्स, लैम्डा नॉट ऑफ BaOH का होल ट्वाइस इज वाई। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, ट्रिक लगाते बड़े आसान से, किसके अंदर मैंने बोला जो जो आयन, जो जो आयन इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए चाहिए वो जिसके अंदर मिलेंगे उनको प्लस कर दो, तो NH4 मिल रहा है इसके अंदर, तो Z वाला में NH4 मिल रहा है और OH मिल रहा है इसके अंदर, बट बेटा यहां देखो दो OH मिल रहे हैं, दो मुझे कितने OH चाहिए, एक OH चाहिए, यहां कितने OH मिल रहे हैं, दो, तो क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, चलो चेक करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड क्यों करेंगे ये बताओ, 2 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे एक OH चाहिए और यहां मिल रहे हैं मुझे दो OH, जब 2 से डिवाइड करोगे तो BA का भी हाफ हो जाएगा, BA का भी हाफ हो जाएगा, OH का भी हाफ हो जाएगा, अरे टोटल मोलर कंडक्टिविटी का हाफ हो जाएगा जब 2 से डिवाइड करोगे इस। अब यहां पे सुनो एक्स्ट्रा में यहां पे B आपको क्या चाहिए, एक OH चाहिए ना, यहां कितने OH मिल रहे हैं दो, इसको आधा करना पड़ेगा ना, तो y का आधा करना पड़ेगा y / 2। अच्छा मुझे कितने Cl कैंसिल करने हैं, एक Cl कैंसिल करना है, यहां कितने Cl है, ये Cl ये तो कैंसिल करने का काम आएगा, कितने Cl है, दो, दो Cl है, तो दो Cl से मुझे एक Cl कैंसिल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, चेक करता हूं फिर समझाता हूं, पूरा समझाऊंगा। तो लैम्डा एम नॉट जो मेरा आ रहा है NH4OH का, जो लैम्डा एम नॉट आ रहा है NH4OH का वो आ रहा है लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4Cl प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ BaOH का होल ट्वाइस डिवाइडेड बाय 2 माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ BaCl2 डिवाइडेड बाय 2। ये आ रहा है रिजल्ट, रिजल्ट ये आना चाहिए, लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4OH इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4Cl प्लस लैम्डा एम नॉट BaOH का होल ट्वाइस डिवाइडेड बाय 2 माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ BaCl2। ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। अच्छा ये वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखी है z, ये दे रखा है, ये दे रखा है y by 2 माइनस x by 2, ये हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूशन।
अरे भाई इससे मिल गया आपको NH4+, इससे मिल गया आपको दो OH, दो OH नहीं चाहिए, एक चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, मोलर कंडक्टिविटी लिखते वक्त स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। यहाँ कितने OH हैं, दो, दो OH को एक OH चाहिए तो 2 से डिवाइड करेंगे। मुझे एक Cl कैंसिल करना है, यहाँ कितने Cl हैं, दो, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए आप उसको ओपन करके लिख लेते हैं, आपको और समझ में आए, इसको ओपन करके लिख लेते हैं, इस चीज को ओपन करके लिख लेते हैं। अरे जिसके अंदर जो जो आयन प्रेजेंट है उनको सम कर दो, और जो एक्स्ट्रा में आयन आ रहे हैं उन्हें हटा दो। बहुत आसान है ये, सबसे आसान है। आपको लैम्डा एम नॉट NH4OH चाहिए था, तो लैम्डा एम नॉट NH4+ मिल गया, प्लस लैम्डा एम नॉट Cl- मिल गया, मिल गया। ये दे दिया आपको NH4Cl ने, है ना, इसने दे दिया जेड, जिसे आपने जेड कहा, इसने दे दिया। अब आपको चाहिए OH, तो मैंने क्या बोला था, हाफ करना पड़ेगा। हाफ क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दो OH नहीं चाहिए, एक OH चाहिए। तो हाफ लैम्डा एम नॉट ऑफ Ba2+ प्लस 2/2 लैम्डा एम नॉट OH-, दो OH- देता है ना, तो ये दो से दो कट गया, मिल गया आपको एक OH-। अब कौन कौन से आयन एक्स्ट्रा में हो गए, एक ये आयन एक्स्ट्रा में हो गया, एक ये आयन एक्स्ट्रा में हो गया, इससे मिल गया NH4+ और इससे मिल गया OH-। अब इसको हटाओ, माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ Ba2+ डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 Cl- 2 लैम्डा नॉट Cl- डिवाइडेड बाय 2। ये क्या किया है, जो थर्ड वाला है मैंने उसे माइनस किया और 2 से डिवाइड किया। अब देखो जरा ये कैंसिल हो रहा है, वही रिजल्ट बचेगा देखना, ये कैंसिल हो गया 2 से 2, ये कैंसिल हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या जरा बताओ, बचा क्या अमन, लैम्डा नॉट ऑफ NH4+ बचा, प्लस बचा लैम्डा नॉट ऑफ OH। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, मुझे दो लैम्डा एम चाहिए थे, दो NH4+ चाहिए था, OH- चाहिए था, उसमें दो OH- दिए थे तो उसे 2 से डिवाइड करना पड़ा, इसने दो Cl दिए थे तो उसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ा क्योंकि एक ही Cl एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो ये मिल गया हमको लैम्डा नॉट ऑफ NH4, प्रूफ कर दिया ना मैंने इसके बराबर। इंपॉर्टेंट है ये वाला केस, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, अभी भी नहीं आए तो बता देना। अरे बहुत आसान है, जिस जिस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो आयंस प्रेजेंट है उनका सम कर दो और जो एक्स्ट्रा में आ रहा है उसे हटा दो, माइनस कर दो उसे। एक तो एप्लीकेशन हो गई, एप्लीकेशन पूछी जाती है कोलार्स लॉ की, एक और एप्लीकेशन है कोलार्स लॉ की, एक और एप्लीकेशन है कोलार्स लॉ की। एक और एप्लीकेशन है कोलार्स लॉ की, अनदर एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ, सेकंड एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन degree of ionization for weak electrolyte, to determine the degree of ionization weak electrolyte, weak electrolyte का degree of ionization भी पता लगाने में यह help करता है, to determine the degree of ionization of weak electrolyte। चलो अच्छा एक चीज बताओ मुझे, यहां से मैं समझाता हूं, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्डा एम है एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अल्फा के प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे मैं लिखता हूं तो ये अल्फा है, यहां बगल में लिख देता हूं अल्फा, अल्फा है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है ना। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्डा एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा, क्योंकि अगर अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो लैम्डा एम बढ़ेगा, ये तो आप पढ़ चुके। इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो एक कांस्टेंट आता है लैम्डा नॉट इनटू अल्फा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे हैं, मेरे सर डायरेक्ट पढ़ाया करते थे अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो पढ़ाया करते थे, लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये अल्फा का फॉर्मूला है। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
If you want to calculate in the percentage, alpha को अगर आप percentage में निकालना चाहते हैं, तो आप lambda m at a particular concentration upon lambda m naught into 100 कर देंगे। अगर आप इसे percentage में निकालना चाहते हैं, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आप percentage में निकालना चाहते हैं, तो ऐसे निकाल सकते हैं। Very very important formula for g, very important. Lambda m किसी भी weak electrolyte का directly proportional होता है degree of ionization alpha के। Proportionality का sign हटाया, constant आया lambda m naught. Alpha क्या होता है? Lambda m at a particular concentration divided by m. अच्छा ये कैसे निकाला जाता है किसी भी weak electrolyte का? अभी आपने सीखा है किसी भी weak electrolyte का lambda m at a particular concentration कैसे निकाला जाता था? याद नहीं है formula? K into 1000 upon molarity. इससे निकाल लेते थे lambda m at a particular concentration. इसी से निकालते थे। अच्छा अभी आपने सीखा किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ना ये सब, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट कैसे निकालते हैं, अभी आपने सीखा किसकी मदद से, देख सिखाया ना अभी जितने एग्जांपल सिखा रहे थे, कोलार्स लॉ की मदद से। तो कोलार्स लॉ की मदद से ये निकाल लेना, इस फॉर्मूले की मदद से ये निकाल लेना, अल्फा निकाल लेना। क्वेश्चन पूछा है ये नीट ने ये क्वेश्चन पूछा है 2013 में। आप मुझे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा निकाल के दिखाइए। ना उन्होंने लैम्डा एम दिया था, ना लैम्डा एम नॉट दिया था। तो लैम्डा एम नॉट निकाल दिया हमने कोलार्स लॉ से। कोलार्स लॉ से हमने लैम्डा एम नॉट निकाल लिया। सुन रहे? और k into 1000 अपॉन मोलैरिटी से लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन निकाल लिया, जिसमें k किस में होना चाहिए? साइमन पर सेंटीमीटर में होना चाहिए। और उठा के सब पुट कर दिया, अल्फा निकाल लिया। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और अगर परसेंटेज में नहीं निकालना है तो बस अभी नहीं पढ़ा था, अभी मैं समझा रहा हूँ एग्जांपल। चलो ठीक है, एग्जांपल लिख ले फिर उसके बाद अभी। रफ कर दूँ इतना फॉर्मूला सीख लिया अल्फा निकालने का, कैसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकाला जाता है आप समझो मेरी बात। जैसे मान लो अभी आपको मैंने सिखाया, ठीक है एग्जांपल समझा रहा हूँ फिर उसके बाद। जैसे मेरा एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड का लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? के इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। इससे इस एसिटिक एसिड का मैंने लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन निकाल लिया। क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्वेश्चन समझ में आएगा, समझाना चाह रहा हूं। अब इस एसिटिक एसिड का लैम्डा नॉट कैसे निकालोगे? इस एसिटिक एसिड का लैम्डा नॉट कैसे निकालोगे? अभी सीखा था स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से lambda naught of CH3COONE, इसने मुझे कौन सा आयन दिया? एसीटेट आयन, सही है? इसने मुझे कौन सा आयन दिया? H+ आयन। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, एसीटिक एसिड का lambda naught आ जाएगा, एक्स्ट्रा में कौन चला गया? NaCl, उसको हटा दो, lambda naught of NaCl। इस तरीके से आपने निकाल लिया lambda naught किसका? एसीटिक एसिड का। दो तरीके सीख लिए, इस तरीके से निकाला lambda naught एसीटिक एसिड का। अब अल्फा निकालो एसिटिक एसिड का, तो अल्फा एसिटिक एसिड का क्या होगा? लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम नॉट। एसिटिक एसिड का क्या होगा बताओ? अल्फा कैसे निकालेंगे? लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम नॉट इनटू 100। ये तरीका है, आप समझो। तो मैंने आपको करके दिखाया, मतलब अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दे देगा तो ये फॉर्मूला लगा के आप लैम्डा एम निकालेंगे एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। लैम्डा एम नॉट इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मान लो वो इस तरीके से भी तो निकाला जा सकता है लैम्डा एम नॉट, मान लो उसने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट नहीं दिया, डायरेक्ट दे दिया, मतलब डायरेक्ट आपको आयंस की मोलर कंडक्टिविटी दे दी, डायरेक्ट आपको मोलर आयंस की कंडक्टिविटी दे दी। बात तो एक ही है, यही तो चीज इनकी मदद से निकाली है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा तो मजे ही आ गए, इन दोनों को ऐड करो, इसकी मोलर कंडक्टिविटी आ गई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहां पुट कर दो। मान लो अगर ये दोनों ना दिए हो तो ऐसे निकाल लेंगे, इस वैल्यू को उठा के यहां पुट करेंगे, या फिर ऐसे उठा के यहां पुट करेंगे और अल्फा निकालेंगे। समझना है? तो ये एक और हेल्प करता है, ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालने में भी हमारी मदद करता है। तीसरा पॉइंट बेटा, इसमें एक कांस्टेंट आता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं सिखाता हूं आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एक चीज और निकालने में हेल्प करता है, टू कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, टू कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड
बेस, कौन से एसिडेंट बेस? वीक बेटा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो अल्फा की वैल्यू 1 होती है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, 100% आयोडाइन होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, 100% है ना। चलिए मान लीजिए मैंने एक वीक एसिड लिया बेटा, वीक एसिड लिया है, मान लो उस वीक एसिड को मैंने लिया Ha, उस Ha को अगर मैं आयोनाइज कर दूं एक को सॉल्यूशन में तो वो टूट जाता है H प्लस और A माइनस में, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूं पूरा, एक वीक एसिड लिया मैंने Ha, उस Ha को अगर मैं आयोनाइज कर दूं H प्लस और A माइनस में आयोनाइज होगा। अब सुनना, एक में से जितना टूटता है उसको कहते हैं अल्फा, हिंदी में सुन लेना, एक में से जितना टूटता है उसको कहते हैं अल्फा, एक में से जितना टूटता है अल्फा, एक में से टूटा अल्फा तो सी में से कितना टूटेगा, जल्दी बताओ, एक में से अगर कोई चीज अल्फा टूटती है तो सी में से कितनी टूटेगी, सी अल्फा, एक में से अगर कोई चीज अल्फा टूटती है तो सी में से कितनी टूटेगी, एक में से अगर कोई चीज अल्फा आयोनाइज होती है तो सी में से कितनी होगी, सी अल्फा। चलिए एक में से, यहां स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 इसका 1 इसका 1, इसका मतलब समझते हो, अगर ये एक खत्म होगा तो ये एक बनेगा, ये एक बनेगा, मान लो अगर ये अल्फा खत्म हुआ तो ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा, ये जितना खत्म होगा उतना बनेगा ये। तो शुरुआत में स्टार्टिंग मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, इसका कंसंट्रेशन C, इसका 0 इसका 0, इसका कंसंट्रेशन C, इसका 0 इसका 0, टाइम T पे कंसंट्रेशन मतलब एट इक्विलिब्रियम, मान लो ये कितना टूटा अल्फा तो सी में से कितना कम होगा, मतलब एक में से अगर कोई अल्फा टूटता है तो सी में से कितना टूटेगा, सी अल्फा, अगर ये एक टूटता है तो ये एक बनता है, ये एक बनता है, अगर ये सी अल्फा खत्म होगा तो ये कितना बनेंगे, सी अल्फा बनेंगे, सी अल्फा बनेंगे। एक में से कोई चीज टूटती है तो उसे अल्फा कहते हैं, सी में से कितनी टूटेगी, सी अल्फा, अगर सी में से सी अल्फा खत्म होगा तो ये कितने बनेंगे, सी अल्फा बनेंगे। एक में से एक टूटा, एक में से एक टूटा है ना, अगर ये एक टूटता है तो ये एक बनता है, ये भी एक बनता है, सी में से सी अल्फा, सी अल्फा। अच्छा अब लिखो आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड है, के ए लिखो, के ए क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन है ना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो एट इक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बताओ, सी अल्फा, सी अल्फा, इसकी कितनी है, सी वन माइनस अल्फा, कॉमन ले लिया सी, इस सी से ये सी कैंसिल हो गया, तो वीक एसिड का के ए कितना आ गया, वीक एसिड का के ए आ गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, वीक एसिड का के ए आ गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, ओनली फॉर जी नॉट फॉर एकेडमिक्स, के ए आ गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, इसका के ए आ गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, किसका, वीक एसिड, वो वीक एसिड जो एक टूटने पे एक और एक देता है, ऐसा ऐसा नहीं कोई भी वीक एसिड का यही फॉर्मूला होगा, उस वीक एसिड का जो एक टूटने पर एक और एक देता है, अब वो कोई भी वीक एसिड होता है जो एक टूटने पे एक और एक देगा उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, तो के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, अब अल्फा कितना है बताओ, अल्फा का फॉर्मूला अभी तुम निकाल के लेके आयो, लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम नॉट का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम नॉट, तो सी लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा नॉट, ये होता है एक्सप्रेशन जो जी एडवांस में पूछा गया था, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैंने यहां वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वीक एसिड है ना Ha, ये तरीका, एक में से अल्फा टूटता है तो सी में से सी अल्फा टूटेगा तो टू में से कितना टूटेगा, चलो अच्छा ऐसा बताओ, एक में से अगर कोई अल्फा टूटती है तो ए में से कितनी टूटेगी, ए अल्फा,
सी में से कितनी टूटेगी सी अल्फा, बी में से कितनी टूटेगी बी अल्फा, सही है, टू में से कितनी टूटेगी टू अल्फा, ये सब 11th के एक चैप्टर से आता है कंसेप्ट जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको कर लो आप, इसको कर लो। तो रिजल्ट बता दूं कैसे, ये क्या क्या निकला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे कुछ नहीं किया इसमें, उठा के अल्फा की वैल्यू पुट कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोइकोमेट्री देखा करो, अगर ये यहां मान लो अगर यहां दो बनता, एक टूटने पे दो बनता, तो ये अगर ये सी अल्फा खत्म हुआ है तो ये टू सी अल्फा बनता, बट जितनी तेजी से ये खत्म हो रहा है उतनी तेजी से ये बन रहा है, तो ये सी अल्फा खत्म हो रहा है तो सी अल्फा बनेगा, ठीक है, नोट किया, चल इतना हमारा पोर्शन है, अब न्यूमेरिकल रह गए, अगले टर्न पे कराऊंगा, न्यूमेरिकल रह गए अगले टर्न पे कराऊंगा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है।